जय माता दी। आज नवरात्र का पहला दिन है, हम लोग ने माता रानी की स्थापना कर दी है। पूजा मेरी कंप्लीट हो गई थी, अब हवन, मेरे हस्बैंड हवन कर रहे थे, जिसे अग्यारी कहते हैं। डेली थोड़ी सी अग्यारी होती है, तो वो मेरे हस्बैंड कर रहे थे और बहुत अच्छा लगता है नवरात्र में। तो ये छोटे से, मतलब कि आप 5 बार या 11 बार आप मंत्र करके अग्यारी कर सकते हैं, तो वो होता है नवरात्र में। 9 दिन होता है और आखिरी दिन समाप्त जिस दिन होता है उस दिन हवन करके समाप्त होता है, उस दिन हम लोग हवन करेंगे। हम लोग ने बनाया ये कलारा हुआ आलू, जो कि मैं नहीं खाऊंगी, हमारे यहाँ जूही ये है भैया जी, तीन लोग ये आलू खाएंगे। एंड ये पीनट जो कि हमने भून लिया है अच्छे से, आज सुबह का नाश्ता ये है। एंड ये मखाना जो कि कलार लिया हमने देसी घी में। और आज मैं पीऊंगी चाय, तो वो भी गुड़ वाली चाय पीऊंगी। इधर बन रही चाय, अब हम उसके बाद जाएंगे नाश्ता करने। तो मैं रेडी हो गई हूँ, मैं जा रही हूँ, मौसी जी की बेटी है और वो गृह प्रवेश कर रही, तो उनके घर ही जा रहे हैं जल्दी जल्दी। और हम काफी लेट हो गए हैं क्योंकि पूजा वूजा में जो टाइम लग गया, अब बस हम लोग निकल रहे हैं। तो चलिए हम वहाँ पे और मौसी जी की बेटियाँ, उनसे आपको मिलाते हैं, बस चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नवरात्र में मैं अपना 2 kg वेट कम करूंगी। मैं ज़्यादा नहीं बोलती हूँ कि नहीं मैं 5 kg कम करूंगी, 10 kg कम करूंगी, 2 kg कम करूंगी। और उसका वीडियो मैं डालूंगी, 9 दिन मैं क्या क्या खाती हूँ मैं आपसे शेयर करूंगी, हेल्दी होगा। और विदाउट ऑयल मैं कोशिश करूँगी मैं बनाऊँ, हल्के ऑयल में बनाऊँ, ताकि मेरे लिए हेल्दी भी हो और मेरा पेट भी बढ़ जाए और मेरा वेट भी कम हो जाए। तो मैं सारी रेसिपी आपसे जरूर शेयर करूंगी और 9 दिन मैं कोशिश करूंगी नए नए टाइप की चीज़ें बनाऊं, तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी, आप मेरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो बस पहले तो अभी मैं जा रही हूँ मौसी जी के, मतलब मौसी जी की बेटी के घर, अलीगंज में है। गोमती नगर से अलीगंज जाने में टाइम लगता है, तो बस हम लोग फटाफट निकलते हैं। हम मौसी जी की बेटी के घर पहुंच गए थे और वहां पूजा हो चुकी थी, कंप्लीट हो चुकी थी, फिर भी नहीं, हम लोग को ये है कि नहीं दर्शन कर लेंगे, शामिल हो जाएंगे। और बस हम लोग बैठे थे, सब लोग जा चुके थे ऑलमोस्ट जितने लोग थे। तो मौसी जी की जो बेटियां थी वो थी, एक थी बड़ी वाली है सोना दीदी जो सामने बैठी है, और इधर जो साड़ी में है वो मोना दीदी है, और जो हमारे घर आई थी वो है प्रियंका दीदी, ये है प्रियंका दीदी, ये तीनों बहनें हैं। और घर में छोटे छोटे बच्चे थे, वो बहुत खेल रहे थे, बहुत मस्ती कर रहे थे, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा। ये सोना दीदी हैं, सबसे बड़ी नन लगती है मेरी, मौसी जी की बेटी हैं और मौसी जी ये बगल में बैठी हुई हैं। दीदी बैठी है अंदर, उनकी बेटी, और ये इनका बेटा है चानू, जो कि मेरी शादी में बहुत छोटा था। इधर देखो भाई लगानू से, और मौसी जी की बेटी है दूसरी, ये उनकी बेटी है। और ये है बीबी, जो कि बहुत चेंज हो गई है, मोना दीदी की बेटी है। लड्डू भैया के लिए, और तुम्हारे दांत कैसे हो गए? लेकिन क्यूट लग रहे।
एंशियंट टाइम में वहाँ पे लोग जो है जब रहते रहते तो केव में। अच्छा तुम पूछो, दुनिया का सबसे लार्ज डैम बता दो। क्या चीज? तो मैं भी वहाँ तो डैम नहीं, हाँ डैम कहाँ है? वैसे भी मुझे एसएसटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम बता रहे हैं एक है, हम बताएं चलो आप और मने करो। अगर इंडिया में देखोगे तो राम से भागर नागर डैम है वो। हाँ भाई डैम कौन मैं आज मेरे मामा है और सब अपने मामा से क्वेश्चन ही कर रहे हैं। ये जानना है पूछा जाता है ना, तब देख चिकन भी है। अरे देखो, अरे घर का नाम मत अच्छा घर का नाम इन लोग का घर का नाम नहीं बोलेंगे। अपना अपना नाम बताओ। अंशिका। अंशिका और अग्रिम। अग्रिम आज इन लोग को अपने मामा मिले हैं तो अपने मामा के साथ मस्ती कर रहे हैं। सोचा जादू कि गूगल से अपना बैकग्राउंड चेंज करूं तो मैंने अपना नाम कल्पना वर्मा डाला। बच्चे ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं तो बस सुनती मजा। हम दोनों लोग बच्चों के पास मेरी सोना दीदी उनकी बेटी ये चिक्की चिक्की अपना नाम चिक्की को अपना चिक्की नाम ही पसंद है। और कौन सा था? अंशिका अच्छा नाम तो है। और ये है अग्रिम। अग्रिम को अरे और जब मेरी शादी हुई थी ये बहुत छोटा सा था, 6 महीने का था। इतना और क्या है, जब पैदा होता इतना ही होता, इतना बड़ा रूम होता है। मेरे छोटे वाले बेटी की तरह एक सेकंड बैठ के और बाद भी अपने मामा को मामा मामा खेल खेलने नहीं बता रहे थे पीसीएस है। सब अपने मामा को मिलकर बहुत परेशान हम लोग आ गए हैं दीदी जी के घर उन्हें सरप्राइज देने। ये है दीदी जी की मम्मी। ओ हाय माय दीदी जी को सरप्राइज है ना। मजा आता सरप्राइज देने में। एक्चुअली हम लोग इतनी दूर आए थे अलीगंज। हमारी निशा है और ये है निशा मेरी। हमारी दीदी जी की ये नए ट्रिक से सिंघाड़े का आटा है ना सानने की ट्रिक देखिए। तो मैं भी दूसरी तरह सानती हूँ, मैंने आप लोग से शेयर किया है। आप देखिए मम्मी जी देखिए नए ट्रिक से बता रही हैं तो हम क्या अभी सीख लेते हैं। इसको हलवा चला के ना इसकी पूड़ियाँ बहुत अच्छी बनती ना। आलू नहीं डालेंगी इसमें? आलू नहीं पड़ेगा आंटी जी? अच्छा इस बार तो हम भी ऐसे ही ट्राई करेंगे। हम लोग आलू घुइयां डाल के सानते थे। ये खड़ी ना मारा इन्होंने सीख लिया। हाँ हाँ खाने बहुत टेस्टी बनाती है ना। अच्छा बिल्टी भी चिकनी चिकनी ना। हाँ हम जरूर ट्राई करेंगे और आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा जो क्योंकि सिंघाड़े के आटे में मेन बेसिकली यही प्रॉब्लम होती है फटने लगती है। अब इसको अच्छे से सान लेंगे। इसके पराठे भी बन जाते हैं। हाँ स्पेशली मेरे लिए मुझे इस नवरात्र में अपना हेल्थ मतलब 2 किलो वेट कम करना है तो मैं पराठे भी बना के खा सकती हूँ। नहीं पूड़ियाँ तो नहीं खाऊंगी इस बार। नवरात्र में लोग मोटे होते हैं, मैं पतला होना है मुझे।
मतलब पानी ज्यादा हो गया ना बस, और एक्स्ट्रा पानी नहीं पड़ेगा ना, गर्म होगा ना, गर्म। और कुरकुरी भी बनती है पूड़ी? बहुत सॉफ्ट भी बनती है। अरे वाह, इस तरह हम भी ट्राई करेंगे। ये है मेरी जीजा जी की एकेडमी। आज हम लोग आए जीजा जी की एकेडमी जीजा जी को सरप्राइज करने। तो चलिए हम अंदर से दिखाते हैं आप लोग को। आज शिप्रा की साड़ी वो डर नहीं पड़ा। ऑनलाइन बैच मेरा, ऑनलाइन सीखा है मेरा, अपुन का ऑनलाइन बैच चला है। जयपुर और जोधपुर के सब स्टूडेंट हैं, दिन के रात में मेरे दो यूएस के बच्चे मिले। हम लोग को बहुत अच्छा लगा जीजा जी के एकेडमी जाके। तो बस आज मैं अपना वीडियो यहीं एंड करती हूँ। आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा आने वाला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। बाय।